हेलो फ्रेंड्स, मैं सरित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पेनलेस रेमेडी, जो आपको आपकी किचन से ही मिल जाएगी। अक्सर जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारी उंगली भी कई बार कट जाती है, और कटने के बाद पेन भी होता है, कई बार ब्लड भी ज़्यादा निकल जाता है। तो उसी के लिए मैं लेके आई हूँ एक पेनलेस रेमेडी, जो आपको आपकी किचन से मिल जाएगी। जी हाँ, आपको आपकी किचन से ही मिल जाएगी। ये देखिए, ये है हल्दी। हाँ जी, हल्दी। हल्दी आपके पेन को दूर करेगी। इसके अंदर कई हल्दी के अंदर कई गुण पाए जाते हैं। हल्दी को कई मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। मसाले के तौर पे तो अक्सर हम लोग किचन में डेली ही यूज़ करते हैं, पर इसको कई मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है। हल्दी के अंदर कई गुण पाए जाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके अंदर हल्दी के अंदर एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो बढ़ते हैं आज कैसे हम अपने आपके पेन को दूर करेंगे। जी हाँ, देखिए, इस तरह कभी आपकी उंगली किचन में काम करते कई बार कट जाती है, तो इस पे आपको क्या करना है। देखिए, इस तरह से आपकी उंगली कई बार कट जाती है, तो इस पे आपको क्या करना है, इस तरह हल्दी डालनी है और इसको इसी तरह छोड़ देना है। अगर हो सके तो 2-3 घंटे ओवरनाइट छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह छोड़ करके 2-3 घंटे छोड़े, पानी में बिल्कुल नहीं भिगोए इसको। जी हाँ, पानी से बिल्कुल इसको दूर रखना है। 2-3 घंटे तक एटलीस्ट इसको दूर रखना है। और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद इस पर आप बैंडेज लगा लें। कोई भी बैंडेज ना हो तो कॉटन का कोई भी कपड़ा बांध लीजिए, और आप देखेंगे जो आपका कट गया है उसके अंदर आपका जो मार्क रह जाता है वो भी हल्के हल्के रिमूव जल्दी होता है, अकॉर्डिंग टू जो हम नॉर्मल जैसे बैंडेज बांध लेते हैं। अकॉर्डिंग हल्दी डालने के बाद आप बैंडेज जो बांधेंगे उसमें आपका जो मार्क होता है वो जल्दी रिमूव हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।